हेलो फ्रेंड्स, कुक बाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति सक्सेना। आज हम बनाएंगे पात्रा। तो चलिए पात्रा कैसे बनाते हैं। 1.5 कप चने की दाल पीसी, 1 कप नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार, खटाई 1 बड़ी चम्मच, गरम मसाला 1 छोटी चम्मच, राई 1 छोटी चम्मच, हींग 1 छोटी चम्मच, अरबी के पत्ते। पहले मैं इसमें चने की दाल डालूंगी। चने की दाल मैंने डाल दी है। अब मैं इसमें अपना बेसन मिलाऊंगी। मैंने बेसन ऐड कर दिया है। इसी में मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी, इसी में मैं खटाई भी ऐड कर रही हूँ, हींग जाएगी, और ये गरम मसाला। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी। पेस्ट हमें ऐसे बनाना है, ना ज्यादा गाढ़ा और ना ही ज्यादा पतला, बस इतना बनाना है कि एक लेप जैसे रेडी हो जाए। चलिए ये हमारा लेप रेडी हो गया है। अब इसे हमें पत्तों में लगाना है। अब हम अपना एक एक पत्ता लेंगे। पत्ते हमेशा ये देखना है कि खुरदरी जगह से ही हमें बनाना है, यानी कि पीछे की साइड से, जिस तरफ इसकी स्टेम होती है। तो हमने स्टेम इसकी काट ली है और ये हम खुरदरी जगह पे लेप लगाएंगे। पत्ते को मैंने पहले आधे घंटे के लिए खटाई और नींबू से, ये दूसरी ले लो, खटाई वाला पहले ही लेना है, वो कोई दिक्कत नहीं, तो आएगा ही ना। और इस तरीके से हम अच्छे से फिलिंग कर देंगे इसकी। इसके ऊपर हम फिर से एक और रखेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। इनकी कड़वाहट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, आधे घंटे तक इसको खटाई और नींबू में, नींबू के रस से दोनों तरफ मिला के पत्तों में लगा देंगे, जिससे कि इसके सारी कड़वाहट खत्म हो जाएगी। और अब हम इसको मोड़ेंगे, यानी कि रोल करेंगे। तो रोल करने के लिए हमें बहुत आसानी, आराम आराम से इसको इस तरीके से, देखिए मैं रोल कर रही हूँ। अभी एकदम खुलेंगे नहीं, क्योंकि इसको मैं रील से बांध दूंगी। इस तरीके से रोल कर देना है। ये इस तरीके से मैंने रोल कर दिया, जिससे कि बिल्कुल भी खुले। तो अब हम इसको स्टीम कर रहे हैं। देन मैं इसको लिड से कवर कर दूंगी इस तरीके से, और इसको स्टीम होने देंगे। इसके नीचे मैंने पानी भर दिया है और एक जाली रख दी है, उसके ऊपर मैंने इसको रख दिया है और इसको ढक दिया है, जिससे कि अब जैसे जैसे स्टीम होगा इन पत्तों के कलर बदल जाएंगे। ओके, हमारे पत्तों के कलर चेंज हो गए हैं, तो हमारे ये टाइट भी हो गए हैं काफ़ी। ये देखिए, ये काफ़ी टाइट हो गए हैं। तो अब हम इन्हें बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया पात्रा। तो अब मैं इस रोल को खोल देती हूँ।
खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इनको आप स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं और आप इसकी करी भी बना सकते हैं। स्नैक्स के रूप में आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, ठीक है, आप जैसा खाना चाहें। अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इन्हें मैं फ्राई कर दूंगी। ये सारे मैंने डाल दिए। ये देखिए पकौड़ी स्टाइल भुन गए हैं और इन्हें आप चाय के साथ खा सकते हैं। थोड़ी सी सॉस ऐड करेंगे। आपके ये पात्रा रेडी हैं। अगर आपको हमारे बनाए हुए पात्रा पसंद आते हैं तो आप हमारी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।